26 नवंबर संविधान दिवस के अग्रणी महत्व के मद्देनजर जम्बूद्वीप प्रोडक्शन द्वारा 26 नवंबर फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त आज सामाजिक न्याय भवन में संपन्न हुआ। इस समय इस फिल्म के निर्माता, दिग्दर्शक एवं अभिनेता मौजूद थे। गौरतलब है कि देश भर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक उसी तरह से 26 नवंबर की तारीख का भी अपना ही महत्व है। कुछ साल पहले सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 26 नवंबर की तारीख को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया था। ऐसे में आम लोगों में अब 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर एक खास तरह की जागरूकता देखी जा रही है और लोगों ने स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस की तरह ही संविधान दिवस को भी एक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते जम्बूद्वीप प्रोडक्शन द्वारा 26 नवंबर फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त आज सामाजिक न्याय भवन में संपन्न हुआ। इस समय लेखक और निर्देशक सचिन उराडे फिल्म के निर्माता है। अनिल कुमार जवादे और नीलेश ओंकार, साथ ही साथ फिल्म के नायक अनिकेत विश्वास राव और डॉक्टर विलास उज्जवने मौजूद थे। इस समय फिल्म के निर्माता अनिल कुमार जवादे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमस्कार, मैं अनिल कुमार जवादे, 26 नवंबर या चित्रपटाचा निर्माता। या चित्रपटामध्ये या देशाला जे संविधान अर्पित केलं गेलं 26 नोव्हेंबर, हे या चित्रपटाचं टायटल आहे। आणि या देशातल्या सर्व नागरिकांना संविधानाने दिलेले हक्क, अधिकार आणि त्याचबरोबर कर्तव्य याची जाणीव करून देणारा हा चित्रपट आपल्या समोर येतो आहे। आपण त्याचं यथोचित स्वागत करावं ही विनंती मी याद्वारे करत आहोत। शूटिंग आज मुहूर्त झाला आहे, आजपासून या सिनेमाचं चित्रीकरण सुरू झालेलं आहे। नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण भाग आणि विदर्भातले काही स्पॉट्स घेतलेले आहेत, ज्यामध्ये या सिनेमाचं चित्रीकरण होईल। 26 नवंबर की कहानी आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर आधारित है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत एक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है। नायक अनिकेत विश्वास राव का परिवार संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारधाराओं से प्रेरित है, जिसके पिता का किरदार कर रहे मुश्ताक खान एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है। यह एक ऐसा परिवार है जो बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों से जुड़ी किताबों को पढ़ने और उनके आदर्शों पर चलने में गहरी रुचि रखता है। इस समय बात करते हुए फिल्म के नायक अनिकेत विश्वास राव और विदर्भ के प्रसिद्ध एक्टर डॉक्टर विलास उज्जवने ने अपने पात्र के विषय में जानकारी दी। दर्शकों, नागपुर की बात करें तो संविधान के विश्व में नागपुर का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही से कहीं ना कहीं क्रांति की थी। तो दर्शकों, 26 नवंबर ये जो है फिल्म आने वाली है और वहाँ के जो है नायक है अनिकेत विश्वास, जो कि काफी प्रसिद्ध है और उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप जो है 26 नवंबर इस फिल्म में काम करने वाले है। आपका पात्र एक सकारात्मक रूप से है, आपके पात्र का परिचय आप ही आपके मुखार एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारीची भूमिका करतो आहे, सेकंड ग्रेड कर्मचारी आहे तो, आदित्य नाव आहे त्याचं। अतिशय प्रामाणिक, अतिशय कर्तव्यनिष्ठ आणि अतिशय सरळ मार्गी माणूस आहे तो, आणि पण तो थोडासा नाराज आहे समाजामध्ये जे म्हणजे जे शोषण होत आहे आणि जे म्हणजे श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होत चालला आहे आणि गरीब अधिकाधिक गरीब होत चालला आहे, ही जी दरी निर्माण झाली आहे त्याबद्दल त्याला खूप त्राग आहे, असा तो साधारण त्याचं कॅरेक्टर आहे या रोलचं। आणि एका सर्वसामान्य माणसाचं मी प्रतिनिधित्व करतो आहे आणि समाजाच्या प्रती, देशाच्या प्रती प्रत्येकाने कसं कर्तव्यनिष्ठ असलं पाहिजे, प्रामाणिक असलं पाहिजे आणि सरळ मार्गाने सुद्धा न्याय आपण मिळू शकतो, हे या पत्राच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय। दर्शकों ने आपको कई बार जो है रोमांटिक हीरो के रूप में देखा है और आज आप सामाजिक रोल कर रहे हैं, क्या डिफरेंस दिखा आपको भी और क्या समाज में इसका संदेश जाएगा, क्या कहना चाहिए? खूपच अशी करारी भूमिका आहे आणि या चित्रपटाचा मी भाग आहे याचा मला अभिमान आहे आणि आनंद आहे, आणि कारण या चित्रपटाच्या माध्यमातून संविधान आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे। 26 जानेवारीला आपण रिपब्लिक डे म्हणून तो साजरा करतो,
प्रजासत्ताक दिवस म्हणून तो साजरा करतो, पण ते नक्की काय आहे हे पटवून देण्याचा एक प्रयत्न आहे. फिल्म रिलीज होने वाली है 26 जनवरी को, लगभग होने का जो है सपना है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, किस प्रकार से संदेश देना चाहिए? आता तरी 26 नोव्हेंबर या चित्रपटाची जी तारीख नाव आहे त्याच तारखेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा मानस आहे आमच्या सगळ्यांचाच. आणि एक खूप म्हणजे फक्त सामाजिक संदेश देणारा चित्रपट नसून एक मनोरंजन सुद्धा करणारा हा चित्रपट आहे. आणि मनोरंजन करता करता प्रत्येकाची जाणीव जागवणारा हा चित्रपट आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित होईल तेव्हा हा चित्रपट आवर्जून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. दर्शकों ये थे हमारे साथ अनिकेत विश्वास, जिन्होंने की एक 26 नवंबर जो फिल्म रिलीज होने वाली है उनके विषय में जानकारी दी. मनोरंजन के साथ ही एक सामाजिक कर्तव्य और एक सामाजिक संदेश उन्होंने इस वक्त दिया है और ये फिल्म भी देगी. तो दर्शकों यही बोलना चाहेंगे कि संविधान जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है और ये फिल्म जो है इसी के ऊपर आने वाली है. तो दर्शकों देखते रहिए, देखते ही इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से जो है दर्शक इसे प्रेम करते हैं इस फिल्म को. दर्शकों साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विलास उजवने जो कि काफी बड़े एक्टर है विदर्भ के. सर 26 नवंबर जो है फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका मुहूर्त आज था, आपकी भूमिका किस प्रकार की वहां और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? नमस्कार. देखिए 26 नवंबर जब ये नाम आता है तो हमें लगता है ये 26/11 तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये है संविधान दिवस जो गवर्नमेंट ने जिया निकाला है. इस दिन 26 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा था जो 26 जनवरी को लागू हुआ था. तो 26 नवंबर ये खास दिन है, उस पर आधारित ये फिल्म है. तो मुझे लगता है कि 26 नवंबर से जो संविधान है, आपका जो हक है, हमारा जो हक है, जो नियम है, जो कायदे है, लोगों को लगता है बस पिनल कोड है. नहीं नहीं, बहुत सारे कायदे हैं. आपके हक में क्या है, मेरे हक में क्या है, पानी बिजली सुविधा रहने की सुविधा क्या है, कैसी है, वंचित समाज क्या है, उनके कायदे क्या है, उनके हक क्या है, ये लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है जो आपके द्वारा हम अभिनीत करके ये काम पहुंचाना चाहते हैं. सर आपने कई बार पॉजिटिव नेगेटिव रोल करके जो है एक विशिष्ट छवि आपकी निर्माण की है और ये जो सामाजिक फिल्म नागपुर में होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? नागपुर में ही क्यों, विदर्भ में क्यों? क्योंकि इसके जो निर्माते हैं वो है अनिल कुमार जवादे जो नागपुर से. तो एक्चुअली ऐसा था कि नागपुर में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जो वर्जिन है, जिसके ऊपर कभी शूट हुआ नहीं, वो सब लोकेशन दिखाना ये बहुत ज़रूरी था. और सब सुविधा उनको दी यहाँ, लेकिन उन्होंने मुंबई से सबको बुलाया, सब टेक्नीशियन हम सब. तो नागपुर और नागपुर के आजू बाजू का जिला इसमें शूटिंग करना, इससे अच्छा लोकेशन नहीं था, इसलिए ये काम करना पड़ा. क्या आप कहना चाहेंगे मुंबई के एक्टर नागपुर में आए तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि नागपुर बदल रहा है? नागपुर तो बदल गया है, नागपुर बहुत बदल गया है. मुंबई के एक्टर तो नागपुर आए, हम नागपुर से मुंबई गए. जो नागपुर जन्मभूमि थी, मुंबई कर्मभूमि, अब मुंबई से वापस आए तो ये भी कर्मभूमि. इसलिए और नागपुर के आजू बाजू के झाड़ी पट्टी के जो कलाकार है, सब बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार है, वो सब इसमें काम कर रहे हैं और खुशी से काम कर रहे हैं. उसका उनको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा और इस फिल्म को फायदा होगा.
दर्शकों, जिस प्रकार से डॉक्टर विलास उजवने ने जी यहाँ जो संदेश दिया है, निचले स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक जाने का जो संघर्ष है, आज नागपुर बदल रहा है। जहाँ मुंबई फिल्म सिटी है, मुंबई में जिस प्रकार से करिश्मा नगरी मुंबई को कहा जाता है, और आज नागपुर में भी जो है शूटिंग होने का सिलसिला यहाँ जारी हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पवित्र संविधान दिया और साथ ही साथ जो है नागपुर से एक विशेष क्रांति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी थी, और उसी के फलस्वरूप आज जो है नागपुर में भी और विदर्भ में भी इस सामाजिक फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। जिस प्रकार से हमने बात की डॉक्टर विलास उजवने जी से, उन्होंने यह संदेश दिया है कि 26/11 नहीं तो 26 नवंबर है, ये किसी प्रकार का दंगा नहीं, तो ये तुम्हारे अधिकार की पहचान कराने के लिए ये फिल्म जो है आपके समक्ष आ रही है। गौरतलब है कि यह फिल्म झोपड़पट्टी में गरीब लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति करने की बजाय गैर कानूनी तरीके से दीवान की वाइन फैक्ट्री में हो रही पानी की आपूर्ति के मसले को भी रेखांकित करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे फिल्म का नायक झोपड़पट्टी में रहने वाले असहाय व वंचित लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होने व अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो यकीनन समाज में एक सामाजिक संदेश प्रसारित करेगी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेबरी की रिपोर्ट।